वहीं जिन पर मीडिया से बदसलूकी के आरोप हैं, जिनका बेटा किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोप में जेल में है, उस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एबीपी न्यूज ने भी अपनी मुहिम चलाई। हमने सवाल उठाया और सवाल को बनाए रखा कि नैतिकता के नाते टेनी को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा उन्हें पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जा रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है। एक केंद्रीय मंत्री जब गालीबाज बना तो कितना बवाल मचा, विरोधियों ने कितना दबाव बनाया, मीडिया ने कितना सवाल किया। लेकिन इस्तीफा या बर्खास्तगी तो छोड़िए, बीजेपी में टेनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि चुनाव सबसे ऊपर है, जहां जीत के लिए जातीय समीकरणों का जोड़ तोड़ बेहद जरूरी है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि पत्रकार को गाली देने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कद बढ़ाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। टेनी ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिस पर यूपी में इस बार हर पार्टी की नजर है, लिहाजा बीजेपी ने ब्राह्मण समाज पर पकड़ मजबूत करने के लिए 16 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में अजय मिश्रा टेनी को भी जगह मिली है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से टेनी की मुलाकात भी हो सकती है। 16 सदस्य इस कमेटी के सभी लोग सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं और उसमें अजय मिश्रा टेनी भी शामिल होंगे। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है और टेनी भी उस प्लान के कर्ता धर्ता हैं। इस प्लान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतर कर बीजेपी सरकार के ब्राह्मणों के लिए किए गए कामकाज का प्रचार करना है। इस दावे के साथ कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा भला बीजेपी ने ही किया है, ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। ABP News, आपको रखे आगे।